ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट 2018 का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह करेंगे। ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट 2018 29 और 30 नवंबर 2018 को होटवार के खेल गांव में आयोजित की जाएगी। इसमें ट्यूनिशिया, चीन, इजराइल, फिलीपींस, मंगोलिया और मोरक्को देश के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्य के 10,000 किसान हिस्सा लेंगे। देश विदेश के 1800 डेलीगेट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। कृषि विभाग की सचिव पूजा सिंघल, उद्योग सचिव के रवि कुमार, रांची उपायुक्त राय महिमापत रे और वरीय पुलिस अधीक्षक अनीश गुप्ता ने संयुक्त रूप से सूचना भवन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी दी। इसके साथ कृषि विभाग के सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि राज्य में पहली बार एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 18 डेलीगेट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें इजराइल गए किसान भी शामिल होंगे। समिट के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। राज्य से लगभग 10,000 किसान शामिल होंगे। राज्य के सभी 24 जिलों के पेवेलियन बनाए जाएंगे। दूसरे पेवेलियन में अन्य राज्यों के पेवेलियन बनाए जाएंगे। इस दौरान आउटडोर एग्जीबिशन में कृषि यंत्र और अन्य तकनीकी प्रदर्शनी भी की जाएगी। पूजा सिंघल ने बताया कि 40,000 वर्ग फीट में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उद्घाटन समारोह में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दूर से आने वाले राज्य के किसान 28 तारीख से ही पहुंचने लगेंगे। किसानों को ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। कृषि सचिव ने बताया कि इस दौरान 47 ऑक्टोरल सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें ऑर्गेनिक खेती और कृषि यंत्र समेत अन्य विषयों पर चर्चा होगी। 30 नवंबर को विश्व बैंक के द्वारा टेक्निकल सत्र का भी आयोजन किया जाएगा। उद्योग सचिव के रवि कुमार ने बताया कि 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सत्र भी होंगे, जिसमें ट्यूनिशिया, चीन, इसराइल, फिलीपींस और मंगोलिया जैसे देश सहयोगी देश के रूप में शामिल होंगे। इसमें आयोजन का केंद्र मोरक्को देश है। इस आयोजन में सहयोगी देश के सत्र भी होंगे, जिन्हें कृषि और खाद्य क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। इस सत्र में सहयोगी देशों से आए हुए प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। इस समिट में शिक्षाविद, कृषि चिंतक, शोधकर्ता, कृषि संस्थान और विश्वविद्यालय, किसान समूह, कृषि व्यवसाय से संबंधित कंपनियां भी शामिल होंगी।